अपने बच्चों को ज़ॉम्बी बनने मत दीजिए, नफरत के इस केरोसिन से जलने मत दीजिए। अपने बच्चों को संभालिए, अपना घर पहले संभालिए, उसके बाद। और ये नफरत इतनी ज्यादा ना हो जाए कि कल वो नफरत आपके ही घर में दिख जाए। जब नफरत के ज़ॉम्बी बनेंगे तो वो नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, मुसलमान को खत्म करना। चीन की याद नहीं आता? चीन की याद क्यों नहीं आता? चीन बॉर्डर पे बना के बैठा हुआ है। हम इलाज कराओगे? पंडित जी इनको माला उतार के दो, ये वाला रुद्राक्ष उतार के दो। इनके लिए इलाज के लिए बनवाया गया दरभंगा में। मोदी 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 देश में अगर कोई जवान मर जाए, किसान मर जाए, कोई क्या कहते हैं देश का नागरिक मर जाए, बस मोदी 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 की माला पत्रकारों के पास में, मिनिस्ट्री मीडिया के पास में, भाजपा के नेताओं के पास में, बस मोदी मोदी। कि जिस तरह से चंद्रयान गया, सफल हुआ चंद्रयान 3, सफल क्यों हुआ? पूरा सफल क्यों हुआ? सफल क्यों हुआ ये बताइए, आप बताइए। इस बार पनौती देश में नहीं था, प्रधानमंत्री देश में नहीं थे, अब सुन लो, बाहर गए थे, इसलिए पास हो गया। सवाल सुन लीजिए, दरभंगा की तरह वो भी गायब हो जाता। पूरा सवाल सुन लो, पूरा सवाल ये है। जवाब नहीं सुन पा रहे हो? जवाब नहीं सुन पा रहे हो? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? दरभंगा में इलाज कराओगे? बताओ। सवाल ये है कि जिस तरह से चंद्रयान 3 हमारा लैंडिंग हुआ, पूरे देश में खुशियां मनाई गई, वहीं एक इंजीनियरों का बहुत बड़ा ग्रुप है, उनका आरोप है कि उनको 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए हम बताएं आपको, चंद्रयान 3 पहुंचा, चंद्रयान 1 कब निकल पास हुआ था? टू तो मिला ही नहीं। और टू क्यों नहीं मिला? टू तो मिला ही नहीं। चंद्रमान 2 कहाँ गया? पनौती देश में था, गायब हो गया। इस बार पनौती में बाहर चला गया था। आप बताओ, बस एक बात याद रखना, इस देश के चौकीदार के अंदर में कला और एक्टिंग कितनी बड़ी है। अमिताभ बच्चन, आप अफ्रीका जाते हैं मंच पे, आपको भारत का तिरंगा मिल जाता है गिरा हुआ, आप जेब में रखते हो सम्मान किया तिरंगा, तो आप मीटिंग क्यों नहीं छोड़ दिए? बेशर्मा, छोड़ मीटिंग, हमारे देश के तिरंगे का अपमान होता है। और आप वहाँ पे, और इनको चाइना का नाम क्यों याद आ रहा था? वहाँ पे चंद्रयान चाइना हो गया। प्रधानमंत्री से पूछो कितनी आ रही है, अडानी अंबानी और चाइना से पूछो। सम्मान तो प्रधानमंत्री को, सम्मान तो प्रधानमंत्री को भी दिया गया। इकोनॉमी की भी बात की है, 5 trillion इकोनॉमी। अच्छा मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था हम 80 crore रोजगार देंगे, 80 crore लोगों को फ्री खिला रहे हैं, तुमने भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब हमें एक बात बताओ कि तुम अपना इलाज कब कराओगे दरभंगा जाके, जो तुमको सवाल पूछना चाहिए हम लोगों से, वो भी एम्स में। एम्स में मोदी जी वाले एम्स में, पता नहीं है कि नहीं है। इनके भी कैमरामैन को भी साथ ले जाना अपने, सब जाएंगे इलाज कराओ वहीं पे दरभंगा में। अरे अभी बना नहीं है वहाँ, तो मोदी जी ने कहा बन गया, मोदी ने कहा बन गया। अरे एक मजाक तो खुद बना, हाँ एक मजाक तो खुद बना, कलावती है। और उसके बाद में अब ये देखिए, आज कल ये साउथ अफ्रीका में गए, तो साउथ अफ्रीका में इनके गो बैक के नारे लगे हैं, मोदी गो बैक के नारे लगे हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री के गो बैक के नारे नहीं लगे। अच्छा ये सुनो, अमीर भैया चलो वो प्लांटेड बंदे थे। मोदी जी एक फोटो वायरल हो रही है, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला रहे हैं चाइना के उनसे, प्रेसिडेंट से, मोदी जी की छोटी सी झलक पीछे दिख रही है, इसलिए चाइना याद आ गया वहां पे, इसलिए चाइना याद आया। अरे मेरे भाई, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, चाइना याद आया, चीन क्यों याद नहीं आता? चीन की याद क्यों नहीं आता? चीन बॉर्डर पे बना के बैठा हुआ है, चीन याद क्यों नहीं आता? मणिपुर याद क्यों नहीं? राहुल गांधी की यात्रा से पोल खुल गई लद्दाख वाले से, कि वहाँ घुसा बैठा है, वो घुस के बैठा है, पोल खुल गई है। अरे मोदी जी कह रहे नहीं कोई घुसा। अरे बीके भाई, अरे इलाज करा लो दरभंगा में जाकर। अरे भैया मोदी देश को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, कहीं से कहीं पहुंचा तो दिया। अरे कहीं से कहीं पहुंचा तो दिया भैया, मूत्र है आदमी देख के, एक आदमी का आदमी को मूत्र है, और बच्चे को शिक्षक मार पिटवा रहे हैं, सीआरपीएफ पुलिस का जवान जिसको क्या कहते हैं सुरक्षा के लिए बना गया, दो मार राज्यों की पुलिस लड़ रही है मणिपुर असम की, और कहाँ पहुँचाओगे? मध्य प्रदेश में दबा दम नौकरियाँ मिल रही, और रविदास जी का मंदिर 2019 में दिल्ली में तोड़वा देते हो, और रविदास का मंदिर अब बनवा देते हो, तो बताओ ना, दे तो दिया। लेकिन यूएई में जाके शेख को कहते हैं भाई, और तुम्हारे यहाँ के भाइयों को बुलडोजर चलवा रहे हो, टोपियों से पहचान रहे हो, कपड़ों से पहचान रहे हो, यहाँ के भाइयों को आप क्या कहते हैं जिहादी? चूमते हैं ऐसे करके, हाथ चूमते हैं मोदी जी, वो सनातन में रिवाज है जी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सनातन के बाल योगी व्याख्याता बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे या तो ऐसे होता ये है। सिर्फ ये सिर्फ मुसलमान, ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर है, और वो मुसलमान बन जाते हैं। अब बताओ, मिस्र से उनका रिश्ता भी है, मस्जिद भी गए थे, 7 मस्जिद दौरा कर चुके हैं, धर्मों का सम्मान करते, तो यहाँ क्यों नहीं करते हैं? अपने घर में क्या कहते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी दूसरों को पिलाते हैं, पानी दूसरों को पिलाते हैं, कुआं अपने घर में खोदते हैं। टैक्स हम देंगे, नफरत भी हम झेलेंगे, महंगाई भी हम झेलेंगे, बकवास भी हम झेलेंगे ऐसे। और देखो, मर्द बनाने की टैबलेट जो मनोज तिवारी के पास है, उससे पूछो कि उसकी पार्टी में कोई मर्द बचा है कि नहीं बचा है मणिपुर में बोलने के लिए। अगर कोई मर्द हो तो सामना करवा दे बाल योगी से, या खुद सामना कर ले बेशरम आदमी है।
ये भाई है ना रिंकिया के पापा ही हंस देनी नचनिया गवनियों को जब से ले आए लोकसभा में शंकर, यही हो रहा है। रविशंकर अय्यर जी ने जो बयान दिया था वो बिल्कुल फिट और फिट बैठता भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि हम इनकी बराबरी कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी अनपढ़ और पढ़े लिखे की शिक्षित व्यक्ति की बराबरी है। कौन अनपढ़ है, सारे तो पढ़े लिखे हैं। डिग्री मांग के दिखाओ, डिग्री मांग के दिखाओ। अमित शाह ने दिखाई थी, कौन बस्ती वाली, बस्ती वाली की यूनिवर्सिटी वाली, बताओ पॉलिटिकल, बताओ आप हंस रहे हो। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पे पत्रकारों को हंसी आ रही है, पॉलिटिकल डिग्री की, इसका मतलब सब जान रहे हैं। उनकी डिग्री दरभंगा एम्स की तरह है, ना वो दिखेगी ना ये दिखेंगे इनकी डिग्री। अच्छा मध्य प्रदेश चलते हैं थोड़ी देर के लिए। किसके लिए? मध्य प्रदेश चुनाव में अमित शाह जी ने कहा है कि बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे और 62,000 शिक्षकों, अब महिलाओं के बाल पकड़ घसीटेंगे, बेशर्मो महिलाएं के बाल पकड़ घसीटा गया है ऐसे करके, ये महिला सम्मान दिखाते हैं मामा, तो साबित हो ये सकुनियों कंस मामाओं को, अब की बार हम भगाएंगे उत्तर प्रदेश में, रुक जाओ मध्य प्रदेश से, ये मामा मामी नहीं चलेंगे वहां पे, अरे मामा मामियों को, बेशर्मो दलालो पूरा मध्य प्रदेश को नशे में कर्जों में, अरे कहेगी मामा कंस मामा, अरे पूरे मध्य प्रदेश के लोग बच्चा बच्चा, इस बार कमलनाथ जी पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, धीरेन्द्र शास्त्री को बिना साथ लिए भी हम सरकार बना सकते हैं, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे नमूनों को कांग्रेस ना सम्मिलित करे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ तो अच्छा रहे। नहीं एक बात तो पक्की हो चुकी है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री को अभी पंडित जी ने कहा कि पनौती देश में नहीं थे इसलिए चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया, तो भाई साहब दोनों जोड़ीदार पनौती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े गृह मंत्री पनौती हैं, जहां भी बोल के आए हम जीतेंगे पूर्ण बहुमत से, अब देख लिए ये दौर चल रहा, कर्नाटक में भी बोला, कर्नाटक में बोला, हिमाचल में बोला, जहां जहां गुजरात में इनको कुत्ता बनना पड़ गया था, पूरे नेताओं को भागते थे फिर भगवान, एक दिन में 9 जनसभा इतने जोर से, 28 साल इसकी सरकार, उसको इतना घिसना पड़े, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री वहां से आ गए दिल्ली के एमसीडी मध्य प्रदेश में, कौन सी नौकरियां पकौड़ा तलने वाली बेशर्मो, कौन से नियुक्ति व्यायाम घोटाले वाला, व्यायाम घोटाले वाला, व्यापम घोटाले वाला नहीं, शिक्षकों को नौकरियां मिल रही, शिक्षकों को मिली, अभी आपने बताया इंजीनियर, इंजीनियरों को क्या कहते हैं 7 साल से 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो ऐसे शिक्षकों को दे रहे हैं वो, ऐसे शिक्षकों को नौकरी दे रहे हैं, सैलरी दे रही नहीं है, फिर भी लड़ाई हो जाएगी, बात खत्म, कोर्ट में जाएगा मामला, 4 साल ऐसा ही बताओ, सब बताओ, दरभंगा में एम्स है, हमारा एक पत्रकार गया तो उसको मिला नहीं, नहीं मिला, चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छा इलाज कराओगे जाके वहाँ पे, एम्स नहीं वहीं से नहीं, एम्स पे आओ, कलावती, कलावती को जानते हो, कलावती की मदद गृह मंत्री जी ने की थी, अब उसने तो खुद कहा कि उस राहुल गांधी जी ने मेरी मदद की, अब इस पर क्या करना चाहोगे, वही प्लांट है कलावती, प्लांट हो गई थी, कलावती वाले में देश की गृह मंत्री ने संसद में झूठ बोला था, ये स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल ही, क्योंकि उसने खुद बयान में कहा है कि राहुल गांधी जी ने मेरी मदद की है, कोई किसी ने मदद नहीं की, निर्भया कांड में जो निर्भया के भाई को पढ़ाना लिखाना का खर्चा भी राहुल गांधी जी ने उठाया था, प्रधानमंत्री बताए एक भी बहन बहनों के भाइयों का परिवारों का खर्चा आज तक प्रधानमंत्री के कोटे से गया हो, प्रधानमंत्री सिर्फ अगर अपना सामान भी बेचते हैं जो को गिफ्ट मिलता है वो भी पैसा पता नहीं कहाँ कर ले जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से तो एक गुजारिश करें कि 24 में अपनी गद्दी छोड़ दें और अच्छा सा बिजनेस करें, आपका दिमाग सिर्फ ऊपर वाले ने बिजनेस के लिए। एक सवाल करना चाहूँगा कि वो 2700 जो अंतरिक्ष में जिन्होंने मेहनत की है वो लोग कह रहे हैं कि हम अपना परिवार नहीं चला पा रहे 17 महीने से, उनको सैलरी नहीं, उनके लिए आमरण पेंशन ये जोड़ी बैठेगी, कल या परसों में हम जंतर मंतर जाके उनके लिए धरने में बैठने का प्रयास करेंगे पुलिस परमिशन लेकर, और उनके हेड ने आपको बता दूं जो साइंटिस्टों के जो वैज्ञानिकों के चंद्रयान पे जो टीम के जो हेड थे मोदी जी ने फोन पे बात, हाँ अरे उनको भी बेइज्जती हो गई, वीडियो आ रहा है, इसको हटाओ भाई, उन्होंने भी इस चीज को तथ्य को वो कर दिया है कि जो आज ये चंद्रयान 3 पहुंचा है ये हमारे पुरानों के बुजुर्गों के पहले वालों की मेहनत से आज हम यहाँ पहुंचे, और सुनो उसमें भी कहा गया कि इसको हटाओ यार, कम से कम वैज्ञानिकों को दिखाओ, मोदी जी को लोग हटाने के लिए कह रहे हैं, और ये हटेगा बेशर्म, बीके न्यूज चैनल की कसम खा कहता हूँ ये हट गया, कांग्रेस ये हटा, बीके न्यूज ईमानदारी से काम करे और एम्स को ना माने की एम्स है, आपके पत्रकार का एम्स मिला आने दो, कांग्रेस एम्स ना बनाने की मोदी मांग नहीं किया, झूठ बोल रहे मोदी जी ने कैसे किया, पहला जो नींव रखता है जो मकान बनाता है, अब बताओ तुमने हम तुम्हारे पिताजी तुमको 3 मंजिला मकान दे दिया, टेंटिंग पेंटिंग कराते रहो आगे बढ़ाते रहो मकान तो, लेकिन मकान जो पूरा चीज सेटअप मिला वो तो हमने दिया ना, कांग्रेस ने दिया ना, आप बता दे
कांग्रेस को तो हर लोग कहते शहीद हो, इनके तो कुत्ते भी नहीं होते और कुत्तों का असल ये नहीं है। इस चीज को तो हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं, उनका क्या कहते हैं वीडियो वायरल है, उनकी क्या कहते हैं मकतबे वायरल है कि जो आज ये चंद, मैंने फिर कह रहा हूँ चंद्रयान 3 पहुंचा है, ये हमारे पुराने वालों की मेहनत है। तो पुराने कौन से थे? भारतीय जनता पार्टी तो अब 9 साल से है, पुराने कौन थे? नहीं और बता दे, समय पे जनसंघ वाले में कौन थे? जनसंघ वाले में जो मर थे वो जंग में गए थे, जो ना मर थे वो संघ में चले गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में साथी नहीं दिए थे, ये कभी आए थे देश के लिए? बुलबुल में उड़ते थे, पेंशन लेते थे और एम्स में और झूठ बोलते थे, और वही परंपरा मोदी जी को लगी है, हाफ चड्डा पहनते तब तो फूल हो गया, वो भी झूठ बोलते, एम्स बन गया, कलावती को मार दिया। आपके माध्यम से हम दोनों एक देश की पूरी जनता से एक गुजारिश करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के पंडित जी हाथ जोड़ लो, कि एक गुजारिश ये करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जोंबी बनने मत दीजिए। मुसलमान है, दलित है, कर फिर ईसाई होगा और फिर अपने ही कास्ट में तो ऊपर नीचे होगा, तो वो जब नफरत भरी रहेगी दिमागों में। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को नशे का आदि बनाया जा रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं कश्मीर गुजरात की, वहां पे 6 मिनट में एक लड़का एडमिट हो रहा है ड्रग्स के मामले में कश्मीर में, 12 मिनट में एक लड़का एडमिट हो रहा है गुजरात में, ये सब जो नशे की जोंबी बनाए जा रहे हैं, सबसे पहले नशा रोकना पड़ेगा इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।